खतरनाक लड़ाई होगी इनके। ये देख 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 क्या, लेकिन डर है इसका बहुत। नहीं मुझे प्लेन में उड़ू पे नहीं उड़ आया नहीं। ये देख हम एंटर डॉक्टर स्वामी प्रसाद मुखर्जी टनल। ये रहा हमारा इंडिया का वन ऑफ द बिग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर अमेजिंग एंड आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं अपने रूम से ही स्टार्ट, और आप देख सकते हो मेरे पीछे आसिफ है, और आसिफ जो है सामान पैक कर रहा है मेरा और अपना भी, क्योंकि हम निकल रहे हैं ईद के लिए अपने घर जो कि हमारा घर है रामबन। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो बस आज हम पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, मे बी हम शाम को निकलें या सुबह निकलें, तो मैं आपको पूरी ट्रिप दिखाने वाला हूँ कि हमारी कैसी जाने वाली है। आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग में, तो देखते रहना क्योंकि वहाँ भी ऐसी बहुत सारी जगह है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो फिलहाल अभी बस पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो ही गई है, इसके कपड़े पैक कर रहे हैं, तो उसके बाद निकलते हैं फिर हम। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कल शाम को जाने वाले हैं या सुबह जाएंगे, तो शाम को तो हम नहीं गए थे बट अभी हम जाने के लिए तैयार हो गए। और ये रहा मेरा बैग, ऑलमोस्ट पैक ही हो गया, बस इसको तो अब मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से नीचे। और ये करके बस थोड़ी देर के बाद निकल रहे हैं हम, तो मेरे को अभी कटिंग वगैरह करवानी है, कटिंग करवाने चलते हैं और ये बैग वगैरह सब नीचे ले जाते हैं अपना, कमरा साफ करके और फिर चलते हैं नीचे। तो सफाई हो गई है पूरी कंप्लीट, और ये रहा मेरा बैग, ये रहा ये कपड़े मैं लगाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं जा रहा हूँ अपनी कटिंग वगैरह करवाने, बैग ले जाते हैं नीचे और थोड़ा सा सामान बचा तो मैं वो कटिंग वगैरह करवा के आऊँगा, उसके बाद मैं सारा सामान ले जाऊँगा अपने साथ। इसको रखते हैं हम यहाँ पे क्योंकि ये गाड़ी में डालना है बैग, तो अभी इसको यहीं पे रखते हैं। बार है बार। हमारे साथ जा रही है दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी तो यूनियन स्कॉर्पियो और एक आ रही है हमारी बलैरो चंद्रकोट से, तो उसमें जाएंगे क्योंकि एक गाड़ी में तो हम पूरे सारे मतलब फिट आएंगे नहीं, ठीक है। और मम्मा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, तो मेरे को थोड़े ना अपने वो गर्म कपड़े भी उठाने पड़ेंगे, जैकेट्स वगैरह भी उठाने पड़ेंगे। और फिलहाल मैं अभी कटिंग करके आता हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है, देख सकते हो अभी कोई भी गाड़ी नहीं है। अभी थोड़ी देर में दोनों गाड़ियाँ आ जाएंगी तो सामान वगैरह उसमें डाल देंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी कटिंग वगैरह करवा के आता हूँ, उसके बाद आगे का देखते हैं फिर क्या। मौसम बहुत सही हो रखा है आज, हवा चल रही है और थोड़ा बारिश का भी मुझे लग रहा है, बारिश पड़ सकती है, गर्मी कम हो गई यार आज, अच्छा है यार। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो बारिश ही पड़ रही है फिर भी। चलो अब चलते हैं पहले सीधा, बहुत लेट हो गया यार आज, डांट पड़ जाएगी, घर वाले वेट कर रहे हैं मेरा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, लेट हो गया, 1 बज रहा है अभी, तो निकलता हूँ यहाँ से घर जल्दी जल्दी और मिलता हूँ आपसे घर पर ही सीधा। स्कूटी लगा दी मैंने घर और ये सामान रखा हुआ है यहाँ। तो भाई तुम्हारा हो गया है रेडी, ये रही अपनी पूरी गैंग हुरैन, ये रहा मुजम्मिल, ये है हमारी एक गाड़ी यहाँ लगी हुई और दूसरी है हमारी दूसरी गाड़ी, ये रही। तो सामान वगैरह ऑलमोस्ट डाल दिया है सारा, अब निकल रहे हैं यहाँ से, बस अंदर लॉक वगैरह सब लगा रहे हैं। रेडी है चले, चप्पल में ही चलेगा को ले जाएंगे हम अपने साथ, दादी को बिठाएंगे बलेरो में हम। चलो दादी निकल जाते हैं अंदर। निकल गए यार हम फाइनली यहाँ से, अब तो पहुँच गए हैं हम हाईवे पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा वे और ये रहा अपना हाईवे। चश्मा लगाया था भाई ने उतार दिया, और दूसरी गाड़ी हमारी आ रही है पीछे से स्कॉर्पियो, निकलते हैं यहाँ से सीधा ऑन स्पॉट सीधा आप घर पे नॉन स्टॉप। वैसे खींचती है लेकिन डर है इसका बहुत। नहीं मगर प्लेन में मोड़ू पे नहीं मोड़ आया नहीं, ये देख खींचने के लिए क्या है, मांगे ऊपर कराएगा। मोड़ आ गया, मोड़ू पे नहीं है, मोड़ू के लिए नहीं है, ठीक है करेगा ड्राइव। अब चलते हैं हम, अब मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। क्या बोल रहा था सिर्फ, पहुंचे हैं हम बंटोल प्लाजा। टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया हमने और अब निकले हैं आगे। तो ये है हमारे नंदनी के
टनल, यहाँ पे नंदनी बोलते हैं, ऐसे ना नंदनी बोलते ना, ये है यहाँ के टनल। इसके बाद एक चनैनी वाला है ना, चनैनी वाला टनल जो बहुत लाइक बहुत बड़ा टनल है यार, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। कितना किलोमीटर होगा? नियर अबाउट 8 किलोमीटर तक है वो टनल। तो ये तो अभी बहुत छोटे छोटे टनल है, वो दिखाऊंगा आपको मैं, वो बहुत बड़ा टनल है। तो अभी यहाँ से ये रोड जो है मेरा सबसे फेवरेट रोड, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत सही भी बात है, यहाँ से इस लेफ्ट साइड भी है आप देख सकते हो ये वाला रोड, यहाँ से पीछे है एक रोड, यहाँ मंदिर है शायद जो मतलब डाइवर्जन पे बनाया हुआ है, और यहाँ से अब सीधा निकल रहे हैं हम घर। यार ये चीज़ सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मतलब सी सामने पहाड़ों से पूरा सराउंडेड है और ये रोड मज़े से, मतलब ये चीज़ मेरे को सबसे ना फेवरेट है, मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसी जगहों पे ड्राइव करने में पर्सनली। अगर देखा जाए सिटी से ज़्यादा मेरे को ये सब मतलब ऐसे ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। कि हम लोग रुके हैं कुछ ऐसी जगह पे, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप है यार, यहाँ पे पता नहीं क्या नाम है इनको, कुछ शायद भूख वगैरह लगी है, इनको खिलाते हैं कुछ पहले, उसके बाद निकलते हैं यार। खाना है अब मैं ड्राइव नहीं करूँगा यार, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, मेरे को कमर में भी दर्द हो रही है, अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा, अब दूसरा चलाएगा गाड़ी, में आराम से बैठूँगा। अब हम यहाँ से निकलना है अभी हमें, यहाँ से हम जिसके बाद पहुँचेंगे अपना चनैनी नाश्री टनल के पास, वो दिखाऊँगा मैं आपको जो टनल है। यह है सब कुछ सामान हमने, अब निकलते हैं यार यहाँ से घर। अब मैं बैठूँगा इस साइड क्योंकि मेरे को कमर में दर्द हो रही है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। सर बहुत गंदा स्कैम हो गया, हम आ रहे थे वहाँ से और हमने अचानक देख लिया आगे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, जाम लगा हुआ है बहुत गंदा, आप देख सकते हो यार नीचे से जा रहा है ट्रक, यार ये तो रॉन्ग वे से जा रहा है, बट हम नहीं जाएंगे रॉन्ग वे से, हम ट्रैफिक का पूरा क्या करेंगे, पालन करेंगे, इंतज़ार करेंगे जब तक गाड़ियाँ खुलेंगी तब तक। आज तो लगता है बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे यार, यहाँ देख सकते हो आप, चेक कर रहे थे कि कितना जाम लगा हुआ है, देख सकते हो पूरा रेड लाइन, अभी हम यहीं पे पीछे खड़े हैं, हम कहाँ पे जी, हम यहाँ पे, और यहाँ से देख सकते हो पूरी रेड लाइन है आगे तक। क्या हो गया अब, खेल खत्म, टाटा गुड बाय, खेल खत्म, रुकना। यार गाड़ी से हम लोग बाहर ही उतर गए यार, क्योंकि बहुत वेट किया हमने, कुछ अभी लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत दूर तक है यार जाम, यहाँ से देख सकते हो आप कितना मतलब पूरा क्लियर, बट सामने वाली ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है टू बी ऑनेस्ट। ये देख सकते हो मैं और जूम इन कर रहा हूँ, ये देखो आप, ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है यार ये, वाह। लगी है हमारी गाड़ी, अभी भी जाम है, और यहाँ से उतरा था मैं नीचे देखने के लिए कि इधर से कैसा व्यू है, यहाँ देख सकते हो कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है, मतलब पूरा कवर्ड है माउंटेन से लिटरली, आसिफ यहाँ मेरे साथ है, और ये अभी हम निकले थे यार वहाँ से, लेकिन यहाँ से हम आ गए रॉन्ग साइड में, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और बहुत खतरनाक लड़ाई होगी इनके, ये देखो देखना, देख 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 देख, इसको मार पड़ रही है यार, देख सकते हो कोई उसने पत्थर उठाया एक ने, वो देखना कुछ गाली शाली मारी होगी यार, लोकल है एंटर कर लिया है बहुत देर ट्रैफिक में रुकने के बाद, आप देख सकते हो हम यहाँ एंटर करने वाले हैं हमारे इंडिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल में, जहाँ इसका नाम कुछ है स्वामी आई गेस, मुझे नाम नहीं पूरा था, बट यहाँ पे जो जगह का नाम चनैनी है तो इसको चनैनी नाश्री का टनल ही बोलते हैं, ये है इसकी एंट्रेंस यहाँ से, और इसके मतलब एंट्रेंस पे ही थोड़ा सा ये जो बिल्ट रोड बनाया हुआ है इन्होंने स्ट्रेट लेन का, यहाँ से ऊपर जाके टनल स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी पूरा टनल, अंदर से भी पूरा दिखाऊंगा आपको। ये है हमारा टूल जहाँ पे कटता है गाड़ी का, फास्टैग वाला सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ओवरसीज व्हीकल्स, मतलब चारों सेक्शंस में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4 सेक्शंस हैं इसके। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन ये है कुछ ऐसा सेक्शन है देख सकते हो आप,
ये है नासरी टनल के एंट्रेंस, यहाँ से टनल एंटर मतलब स्टार्ट होने वाला है, इधर से थोड़ा सा आगे जाके हमारा टैग स्कैन कर रहा था वो यहाँ पे, लेकिन ये टैग स्कैन नहीं हुआ तो हमें ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। नहीं कटा भाई, उसने बोला ना नहीं कटा, जाने दो। ये है भाई इसकी एंट्रेंस, एंटर होने वाले हैं हम इसके अंदर। और ये है अपना, ये है हम एंटर डॉक्टर स्वामी प्रसाद मुखर्जी टनल। ये रहा हमारा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टनल, जो कि नियर अबाउट 8 to 9 किलोमीटर है। ये कश्मीर के सबसे पहले जो बानीहाल टनल है हमारा कश्मीर जाते हुए, उसके बाद ये सबसे बड़ा टनल है, नहीं ये सबसे बड़ा टनल है। देख सकते हो आप अंदर से कैसा है, ये कॉलिंग बूथ्स लगे हुए इसके, हर 100 मीटर के बाद इस पर कॉलिंग बूथ्स लगे हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक कॉलिंग बूथ पीछे था और अब, और एक और बात बताता हूँ मैं आपको इसकी, ये जो अपर सेक्शन जहाँ पे लाइट लगी हुई ना, इसके हर एक मतलब कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे कैमराज भी लगे हुए हैं, मतलब पूरी अंदर की चेकिंग होती है, अगर कुछ ओवरटेक वगैरह हो जाए यहाँ से लेफ्ट या राइट तो ये स्पीकर्स में सब सुनाई देता है अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। और ये कॉलिंग बूथ जो लगे हुए हैं ना साइड पे, ये वाले ये इसलिए है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पे तो हम इजीली अंदर ये खोल कर अंदर जाकर इनसे मतलब डायरेक्टली कंट्रोल रूम पे बात कर सकते हैं किसी भी हेल्प की अगर हमें कोई ज़रूरत हो। तो यहाँ से अब चलते हैं हम, आपने देख लिया होगा ऑलमोस्ट ये कैसा है अंदर से, मैं एक बार और आपको लुक दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप कुछ ऐसा है अंदर से, और मतलब काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और वहीं जाके मिलते हैं। टनल के अंदर स्टक हो गए हैं हम, बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कब से वेट कर रहे हैं हम, धीरे धीरे चल रही है बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे, तो यार कम से कम 15-20-25 मिनट हो गए हमें टनल के अंदर, ही है ना 25 मिनट से ज़्यादा हमें टनल के अंदर हो गया और अभी तक हम अंदर ही, मुझे लगता है बाहर तो अंधेरा भी हो गया होगा अभी तक। फाइनली हम निकलने वाले हैं टनल से बाहर, ये देख सकते हो आप, इतना देर अंदर वेट करने के बाद अब निकल रहे हैं हम इसके बाहर। और अब यहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पे हमारा घर है, यहाँ से हमें हार्डली कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे घर तक। के बाहर निकलते ही कुछ ऐसा व्यू है हमारा, यहाँ पे तो ऑल सीन बना हुआ है यार, यहाँ देख सकते हो कितनी ज्यादा धुंध है, पूरा धुंध से ढका हुआ है। अब नहीं होगा जाम है। पहुंच गए हैं हम घर, बहुत टाइम हमने ट्रैफिक में थे यार इतनी देर, और अभी अभी हम घर पहुंचे, आप देख सकते हो अभी अंधेरा भी हो रखा है। और ये रहा आज से ये रही गाड़ी लगा दी हमने, सारा सामान उतार दिया और कुछ ऐसी लोकेशन पे है हमारा घर, यहाँ से देख सकते हो आप सामने पूरा व्यू कितना प्यारा है। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपके व्लॉग बहुत पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आएगा तो व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अब 2-3 दिन मैं यहीं रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जो जो मेरे से हो सकेगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।